हाय दोस्तों, कॉरपोरेट एक्शंस की जो वीडियो सीरीज बनी है उसमें आपका फिर से स्वागत है। पिछली बार हमने बात की थी कि किस तरह से आप कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, उसके बाद में भी वो शेयर्स खरीद सकते हैं, और अगर बोनस शेयर्स इशू करते हैं तो वो बोनस शेयर्स को भी आप समय रहते यूज कर सकते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आपके पास में 100 शेयर्स पड़े हुए हैं और आपके पास 100 शेयर्स एडिशनल आ जाएंगे, अब 200 शेयर हो जाएंगे कंपनी के आपके पास में बिना कुछ करे। तो दोस्तों, कितनी प्यारी गजब की बात है नहीं? अगर आपको पैसा कमाने में इंटरेस्ट है तो दोस्तों ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। अब आज की इसी वीडियो में हम बात करेंगे कुछ और कॉर्पोरेट एक्शंस की, और हम सीधे हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर शर्मा सागरनॉमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। हमने अभी तक जो बात की है दोस्तों, वो तो बेसिक चीजें आपको एक बार जल्दी से समराइज कर देता हूं। हमने बात की कि डिविडेंड कैसे कंपनी डिस्क्लोज करती है, किस तरह से डिविडेंड बांटती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स में दे देती है। वो ऑब्लिगेटरी मतलब कंपल्सरी नहीं है कंपनी के लिए, जरूरी नहीं है, लेकिन वो चाहे तो दे सकती है। और देने से जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में लाभांश देती है, तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो उसकी नीयत को बताता है कि वो कंपनी कहीं ना कहीं ईमानदार है अपने शेयर होल्डर्स को लेकर के। तो जो रेगुलरली शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है वो कंपनियां आमतौर पे ट्रांसपेरेंटली बिजनेस करती है। सेकंड चीज हमने देखी कि स्टॉक्स का स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर को 2-2 रुपए या 1-1 रुपए के टुकड़ों में बांट देते हैं, और उससे जो शेयर प्राइस की जो प्राइस है वो एकदम से 1/5 या 1/10 हो जाती है, और उससे छोटे इन्वेस्टर्स को उस शेयर को खरीदने में मदद मिलती है। नेक्स्ट हमने देखा कि इसका उल्टा होता है जब कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको कंसोलिडेट किया जाता है जिससे उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ सके। फिर हमने देखा दोस्तों कि किस तरह से कंपनियां एक दूसरे से मर्ज हो जाती है, एक दूसरे में मिल जाती हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती हैं, या फिर कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो दूसरी कंपनियों को, छोटी कंपनियों को टेक ओवर कर लेती है, एक्वायर कर लेती है उनको। उसमें कुछ होस्टाइल टेक ओवर भी होते हैं, जो जोर जबरदस्ती जैसे बाज किसी चिड़िया का शिकार करता है, उसी तरह के होस्टाइल टेक ओवर्स भी होते हैं। उसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए ये समझिए कि ये कॉर्पोरेट एक्शंस हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि कंपनियां बोनस शेयर्स किस तरह से इशू करती है। वैसे आज हम बात बोनस शेयर पर ज्यादा करने वाले हैं, तो सीधे हमारे स्क्रीन पर चलते हैं दोस्तों, एंड लेट्स टॉक अबाउट इट। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों बोनस शेयर्स की, तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअली बोनस इश्यूज, हालांकि पिछले वीडियो में हमने इनके बारे में कुछ बात की थी, बट फॉर्मली हम यहां बात करते हैं कि बोनस इश्यूज क्या होते हैं और क्यों दिए जाते हैं। दोस्तों, होता ऐसा है कि जो कुछ कंपनियों के जिन्होंने शेयर्स अपने मार्केट में दे रखे हैं, पब्लिक के पास शेयर होल्डिंग है जिनकी, तो कंपनी को अपनी शेयर्स की संख्या बढ़ाने के लिए उसके लिए जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को है उनको एक तोहफे के रूप में, एक गिफ्ट के रूप में कुछ शेयर्स एडिशनल अलॉट करती है, एक्स्ट्रा शेयर्स उनको अलॉट करती है। अब वो रेशो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि अगर रेशो है 1:1 तो एक शेयर अगर आपके पास है तो उसके बदले में आपको एक शेयर मिलेगा, अगर 100 शेयर है तो उसके बदले में आपको 100 शेयर मिलेंगे, और अगर रेशो है 1:2 तो इसका मतलब आपको एक शेयर मिलेगा 2 शेयर के बदले में। तो अगर आपके पास में 100 शेयर्स हैं तो आपको 50 शेयर एडिशनल मिल जाएंगे एज बोनस शेयर्स। अब खास बात यह है कि जिस दिन शेयर के बोनस की अनाउंसमेंट होगी तब से लेके जिस दिन वो बोनस शेयर दिया जाएगा उसके बीच में दोस्तों काफी अच्छा खासा टाइम होता है, और अगर आप स्मार्ट हैं और मार्केट पे नजर रखते हैं, वो प्राइस वाला नहीं, वो ऊपर नीचे वाला नहीं नहीं वो तो ट्रेडर्स का काम है, वो एक अलग सेक्शन है, हम उसे भी कवर करते हैं, लेकिन अगर आप सचमुच में कंपनीज का पूरा प्रोसेस स्टडी करके ढंग से उनके कॉर्पोरेट एक्शन का फायदा उठा के वेल्थ बनाना चाहते हैं, पैसा बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप कंपनीज के एक्शंस पे नजर रखिए, कॉर्पोरेट एक्शंस पे। और जैसे ही कंपनी अच्छी, किसी कंपनी ने अगर जिसका आपने रिसर्च कर रखी है और जो आपके रेडार पर है, उसने अगर बोनस शेयर के बारे में अनाउंसमेंट की है, तो दोस्तों आप अपना दिमाग लगा करके टाइम रहते उसके शेयर्स को खरीद के बैठ सकते हैं। तो जिससे आपके पास अगर 100 शेयर्स हैं तो जैसे ही बोनस का एक्स बोनस डेट आएगी तो वो शेयर्स के
दुगने शेयर आपके पास में हो जाएंगे, यानी 100 शेयर्स पे 100 शेयर्स और मिल जाएंगे। और अगर रेशियो 1:2 है, 1:3 है, तो उस हिसाब से उसी अनुपात में, उसी रेशियो में आपको शेयर्स एडिशनल मिल जाएंगे। तो आप सोचो आपके पास में ज्यादा शेयर आ गए बिना कुछ किए हुए। अब बात यह है कि जिस दिन जैसे ही शेयर्स की आपको बोनस शेयर मिलेंगे, तो दोस्तों उस समय पे शेयर की प्राइस लगभग आधी हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डिंग की जो वैल्यू है ऑलमोस्ट वही रहेगी टोटल में। तो कि मान लीजिए आज शेयर 100 रुपए के हैं और आपको एक के बदले में एक शेयर एडिशनल मिल रहा है बोनस का, तो जब वो एक्स बोनस वाली डेट आएगी, जब शेयर एडिशनल आपके अकाउंट में आएंगे, तो मार्केट प्राइस जो है ना वो लगभग लगभग 50 रुपए के आसपास उनकी हो जाएगी। बट पॉइंट ये है कि दोस्तों आपके पास एडिशनल शेयर मिलने का मतलब आपकी शेयर होल्डिंग भी तो बढ़ गई। बट ये केस टू केस बेसिस पे थोड़ा रिसर्च करके अच्छी कंपनीज में ही ऐसा करना चाहिए। आप ऐसा मत करना कहीं कि पता पड़ा कोई कंपनी चालबाज है, धोखेबाजी वाली है, और वो आपको उलझाने के लिए बोनस शेयर दे रही है। तो दोस्तों पहले फंडामेंटल एनालिसिस किए बगैर इस तरीके की चीजों में पैसे नहीं डालने हैं। तो क्या क्या चेक करना है, हम इसके ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं, एक वीडियोस की सीरीज है जो आपको अपने इसमें जो आई बटन है उस पर और वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगी, उसको जरूर देखिए। फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है, स्टॉक्स को कैसे समझना है, वो सारा डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी। आज दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट चीज, वो है आपकी बायबैक्स। अब बायबैक्स जो दोस्तों होते हैं उसका मतलब होता है कि कंपनी ने जो शेयर मार्केट में उतारे हैं, कंपनी वापस से उन शेयर को खुद खरीदना चाहती है। अब ऐसा अक्सर कंपनी करेगी क्यों, जब शेयर होल्डर्स को उसने शेयर्स दे दिए तो कंपनी वापस अपने शेयर क्यों खरीदना चाहेगी। दोस्तों इसकी एक वजह है, वो वजह है कि कभी कभी मार्केट में पैनिक की वजह से, यानी घबराहट की वजह से, उसकी शेयर की प्राइस बहुत नीचे आ जाती है। मतलब कि कंपनी जो है वो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसका प्रॉफिट ठीक है, उसकी सेल्स ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन अचानक से कोई हवा फैलती है, कोई अफवाह फैलती है मार्केट में और शेयर प्राइस जो बहुत नीचे आ जाती है। तो उस टाइम पर उस गिरती हुई शेयर प्राइस को रोकने के लिए जो कंपनी का मैनेजमेंट है वो वापस से शेयर्स को खरीद लेता है अपने शेयर्स को, ताकि प्राइस को स्टेबल किया जा सके, एक कारण। दूसरा ये है कि कभी कभी वैल्यूएशन इतने अट्रैक्टिव हो जाते हैं कि शेयर होल्डर कंपनी सोचती है कि शेयर होल्डर्स को तो इसकी कीमत मालूम नहीं है, क्यों ना हम हमारी वापस से ओनरशिप को बढ़ा लें। देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, जितनी ओनरशिप, जितनी शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास जाएगी, तो मैनेजमेंट और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनके पास में उनकी कंट्रोलिंग पावर कम होती जाती है। भाई आज मान लीजिए मैं अपना बिजनेस खुद चलाऊं और उसके बदले में अगर मान लीजिए मैं 10 लोगों में अपना 20% स्टेक बांट देता हूं, तो दोस्तों मेरे पास तो सिर्फ 80% कंट्रोल ही रहा ना, और अगर मैंने 50% बांट दिया तो दोस्तों सामने वाला और मैं बराबर शक्ति के हो गए, और अगर मैंने 5% और दे दिया तो दोस्तों अगले दिन वो आके बैठेगा मेरे बिजनेस के चेयर पे और कहेगा कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा बिजनेस करो। सो इसलिए कंपनियां चाहती है कि जब स्टॉक प्राइस, उनकी शेयर प्राइस जरूरत से ज्यादा नीचे आ जाए, तो वो वापस से खुद अपने शेयर्स खरीद लेती है और इस तरह से अपना कंट्रोल बिजनेस का, वापस ओनरशिप बढ़ा लेती है। So, दोस्तों इस तरह से कई बार आप देखेंगे कि ये जो है बायबैक्स भी करती हैं कंपनियां। नेक्स्ट दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बात करेंगे, और मैं सोचता हूं कि उसके बारे में हाँ एक बार छोटा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, बाकी अलग से एक वीडियो भी बनाना मेरे हिसाब से उसमें ठीक रहेगा। तो दोस्तों एक छोटी सी बात यह है कि कंपनियां जो है वो कंपनी जो है वो आपको इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है ना वो क्या होता है, कैसे होता है, सीधे शब्दों में आप समझिए कि कंपनी अपना जब बिजनेस पब्लिक से के सामने लेके जाती है और उससे पैसा इकट्ठा करना चाहती है। क्योंकि देखिए आज अगर मान लीजिए किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए किसी बिजनेसमैन को 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो वो बैंक से जाके लोन ले सकता है। 2 करोड़ की है तो भी वो बैंक से जाके लोन ले लेगा, लेकिन अगर उसे एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है जिसमें बहुत बड़ी सारी मशीन्स हो और पूरा एक बिजनेस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा करना है, और उसके लिए उसे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, तो दोस्तों 100 करोड़ रुपए तो ना तो आसानी से बैंक देगा, ना कोई रिश्तेदार और दोस्त देंगे। तो ऐसे केस में कंपनी जाती है पब्लिक के पास, और पब्लिक के पास जाके और उनको अपना बिजनेस प्लान बताती है और ये कहती है कि मैं आपको आपको हिस्सेदार बना लेंगे, हम लोग शेयर्स हम आपको देंगे, बदले में आपको हिस्सेदारी मिलेगी कंपनी की। और इस तरह से वो पब्लिक से जो पैसा इकट्ठा करती है उस पैसे को यूज करके और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाती है।
तो दोस्तों ऐसा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक संस्था बनाई गई है जिसका नाम है SEBI, सेबी। बहुत सुना होगा आपने नाम। तो सेबी जो है सबसे पहले कंपनी को इवेल्युएट करती है कि क्या ये कंपनी सचमुच में पब्लिक से पैसे लाने लेने के लायक है या नहीं है। तो कंपनी को पहले अपने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक बिजनेस प्लान सेबी को सौंपना पड़ता है। सेबी उसकी स्टडी करती है, उस पर रिसर्च करती है, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखती है, उसकी पुरानी डीलिंग्स देखती है, और बाद में अगर कंपनी को सेबी को ठीक लगता है तो वो कंपनी को अलाउ करती है पब्लिक से पैसा लेने के लिए और उसको पब्लिक को शेयर होल्डिंग देने के लिए। उस प्रोसेस के बाद में कंपनी एक अपना एक ऑफर लेके पहुंचती है पब्लिक के पास में कंपनी, और कहती है कि मैं हमारी कंपनी ये XYZ चीज बनाती है, ये एल्यूमिनियम की फॉइल्स बनाती है, या ये पोटैटो चिप्स बनाती है, या ये स्टील का रोड्स बनाती है, और उसमें इतना हमको एक्सपीरियंस है, और हमारा एक शेयर हम मार्केट में 10 रुपए की फेस वैल्यू का है, जिसको हम 300 रुपए की प्रीमियम प्राइस पर मार्केट में उतारना चाहते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं वो इस डेट के बीच में अप्लाई कर सकते हैं अपने ब्रोकर के द्वारा। इस प्रोसेस को दोस्तों कहा जाता है IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी शुरुआती पहला कदम शेयर होल्डर्स के पब्लिक को शेयर होल्डर्स बनाने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो में तो इसका बस इतना सा इंट्रोडक्शन रखना ही ठीक है। इस पर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, आईपीओ कैसे आता है, रेडियरिंग प्रोसेस क्या होता है, और उसमें जो प्राइस जो फिक्स की जाती है, प्रीमियम किस तरह से फिक्स किया जाता है, सब्सक्रिप्शंस कैसे होता है, कभी जरूरत पड़ेगी तो उस गहराई में आपको जाने की तो मैं आपको ले जाऊंगा उसमें। बट मैं सोचता हूँ कि एज अ नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर आपको इतनी डिटेल की जरूरत आमतौर पर नहीं पड़ेगी, तो अगर आप कहेंगे तो उस पर बात कर लेंगे। अदरवाइज आई थिंक राइट नाउ जो आपको जानकारी मिली है, आई थिंक उससे काम आपका अच्छा खासा चल जाएगा। बट अगेन मैं आपको कह रहा हूँ, आईपीओ में पैसा लगाना इज नॉट अ स्मार्ट एंड वाइज डिसीजन। ये जो आईपीओ में पैसा लगा के सोचते हैं ना कि रातों रात पैसा डबल हो जाएगा, दोस्तों वो एक अच्छा बिजनेस का तरीका पूरी तरह से नहीं है। और मैं आपको ये कहूंगा कि आप आईपीओ में जब भी पैसे लगाएं तो अपनी ड्यू डिलीजेंस और पूरी रिसर्च करने के बाद लगाएं, और कोशिश करें कि आईपीओ में सीधा पैसा लगाने को अवॉइड करें, बल्कि वही शेयर्स जिसमें आप आईपीओ से पैसा लगाना चाहते हैं, महीने 2 महीने बाद में वही शेयर्स आपको हो सकता है कम प्राइस पर मिल जाए। आप जो भी डिसीजन लें इस बात का ध्यान में रख करके जरूर लें। दोस्तों आज के वीडियो में यही इस वीडियो को रोकते हैं, क्योंकि वीडियो अदरवाइज काफी लंबी हो जाती है और आप लोग बीच बीच में से छोड़ के चले भी जाते हैं, जबकि मेरे समझ में नहीं आ रहा कि अगर आपने क्रिकेट का मैच आप खेल रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, 300 रन बनाने हैं, 250 पे पहुंच गए, और फिर आप मैच छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं। भाई जब 200 250 पे आ गए तो 300 पूरे करके जाओ ना, कम से कम विनर तो कहलाओगे। तो वीडियो को हमेशा पूरा लास्ट तक देखें, मेरी आपको दिल से ये सजेशन है। बाकी अपना भला और बुरा आप अच्छे से समझते हैं, इसमें मैं क्या बताऊंगा आपको। दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट बनाने की, और एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है जो आप आई बटन पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं, और उस पे सारे आपको फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड बहुत गहरी जानकारी कंप्लीटली फ्री में यूट्यूब पर मैंने दे दी है। आप जाइए, देखिए, सीखिए, पैसा बनाइए और धनवान बनिए। दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, मेरी मेहनत आपको समझ में आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी वीडियो रोकिए और अभी लाइक कीजिए सबसे पहले, और साथ में अपने सारे दोस्तों, रिश्तेदारों, जानकारों सबके पास में भेजिए इसे, इसको शेयर करिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, हर चैनल पर आप इसे शेयर कीजिए, ताकि काम की चीजें आपके सारे शुभचिंतकों को, सारे लोगों को पहुंच सके जिनके आप शुभचिंतक हैं। मैं आपका शुभ शुभ चिंतक हूं इसलिए मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, आप भी यही काम करिए। नेक्स्ट दोस्तों यह है कि अगर आप बेसिक इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आपके लिए कि हमारी वेबसाइट पर एक फ्री कोर्स, कंप्लीटली फ्री, एक नया पैसा खर्च नहीं करना, वो आपके लिए रेडी है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाइए, उस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और बेसिक चीजों को अच्छे से समझिए, एक्सरसाइज कीजिए। एडवांस लेवल के जो लोग चीजों को सीखना चाहते हैं उनके लिए एडवांस कोर्सेज भी वहां मौजूद है, उनको भी आप चेक करिए। इन्वेस्टमेंट एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए एक विशेष कोर्स बनाया हुआ है, बट वो आप वहां चेक करिए, आप इंटरेस्टेड होंगे तो कभी इस वीडियो पे उनके बारे में बात करेंगे। दोस्तों आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिए,
बेल आइकन को ऑन कीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में और बात करेंगे, कुछ और रहस्य और सीक्रेट मैं आपके सामने खोलूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, अच्छे से सोच समझ के अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए और बहुत सारा धन बनाइए। बिकम रिच, वेल्दी, हैप्पी एंड एंजॉय योर लाइफ। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।